फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हुई है एक वीडियो के साथ। आज मैं बताने जा रही हूँ दो लूज पाउडर, फेस पाउडर, मैं उसके बारे में डिफरेंट बताने जा रही हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं बात करने जा रही हूँ ये दोनों लूज पाउडर के बारे में और इसके डिफरेंट के बारे में। तो ये वाइट टोन पाउडर के तो मैंने ये दो बार वीडियो बना चुकी हूँ और आप लोग को पता है, और जिन्हें नहीं पता है तो वो मेरे वीडियो जाकर देख सकते हैं और मैं लिंक ऊपर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। और इसमें जो डिफरेंट है वाइट टोन पाउडर में, जो डिफरेंट है ये बहुत फेयर भी करता है और शाइनिंग भी देता है और लुक ऐसा करता है कि अच्छा भी लगता है और पसीना फेस में होने नहीं देता। इसमें ये डिफरेंट है, हैं। और उसके बाद मैं इसकी डिफरेंट बताऊंगी आपको कि ये क्या डिफरेंट देता है मेरे फेस में। चलिए फ्रेंड, हम लोग स्पिंज पाउडर के बारे में बात करते हैं। ये स्पिंज बेबी पाउडर है। बेबी का मतलब है ब्राइटनिंग एंड ब्यूटी। फेस टेलकम है और नेचुरल बीच है। फ्रेंड, इसमें इंस्टेंट ब्राइटनेस है और आपके स्किन को भी स्मूथ और सॉफ्ट रखेगा और आपको आपका जो स्पॉट होगा वो स्पॉट को भी आपको कवर अप करेगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं इसको जल्दी जल्दी खोलती हूँ और इसको आपको दिखाती हूँ कि कितना स्किन को कवर अप करता है। और इसका डेम्बो दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए। देखिए फ्रेंड, इसको यहाँ से खोलना, मैंने खोला है ऐसे और देखिए। देखिए फ्रेंड, मैं इसे यूज़ करके आप लोगों को बताती हूँ कि कितना ये फेयर देता है। और कितना, देखिए इसका कलर नेचुरल है कलर, और देखिए क्या ये कलर का है, ये कितना अच्छा। और इसका स्मेल बहुत ही मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है इसका स्मेल सूंघने में। मैंने जब ये पाउडर झाड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका स्मेल बहुत ही नाइस है। और फ्रेंड, ये डार्क स्किन वाले लोग भी लगा सकते हैं और फेयर स्किन वाले भी लगा सकते हैं, इसलिए कि उन दोनों को सूट करेगा ये पाउडर। फेयर भी लगा सकते हैं आराम से, डार्क भी लगा सकते हैं जिन्हें डार्क कलर है, या हल्का लाइट भी है जिनका कलर, तो वो भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने लगाया किस तरह से, देखिए फेयर भी हो गया है और कितना स्किन एकदम सॉफ्ट हो रहा है। देखिए सचमुच में ये लगाने के बाद एकदम आपके फेस में अगर कोई स्पॉट भी होगा तो कवर कर जाएगा और आपके स्किन में पूरे मतलब मैच कर गया है। देखिए पाउडर जरा सा भी ज़्यादा नहीं लग रहा, फेयर भी दे रहा है। और इसका तो ना मुझे बॉक्स बहुत खूबसूरत लगा मैंने देखा जब, तो और ये खोला तो ये बॉटल भी इसका बहुत ही खूबसूरत है, कितना नाइस लग रहा देखने से। और पाउडर का स्मेल भी बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ इसका हमको नाइस लग रहा है। पाउडर का स्मेल तो इतना नाइस लग रहा है कि क्या बताएं आपको, मैं तो खुश हो गई उसके स्मेल से। और देखिए ये, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए 65 में आया है, ज़्यादा दाम भी नहीं है और ये 40 ग्राम्स का है और बहुत ही ये अच्छा है। आप कोई भी शॉप में आराम से मिल जाएगा, सब जगह अवेलेबल है, आता है, देख लीजिए। अब फिर देखिए, अब मैं चलती हूँ आपको दूसरा पाउडर के बारे में बताने, वाइट टोन के बारे में कि क्या डिफरेंट है इसमें और उसमें, मैं उसे लगाकर बताती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड, मैं इसको भी लगाई हूँ वाइट टोन पाउडर को भी, देखिए इस तरह से मैं लगा रही हूँ। देखिए दोनों में क्या डिफरेंट, मैंने ये हैंड में ये वाला लगाया है और ये हैंड में मैंने वो लगाया है, देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है। मुझे तो दोनों ही पसंद है और दोनों लुक अच्छा देता है, फेयर भी करता है और मैं दोनों को ही 100% दूँगी। इसलिए बोलिए कि ये तो फेयर देता है, ये फेस में सॉफ्टनेस देता है, अब मुझे दोनों ही पसंद है। ये नेचुरल लुक देता है, स्पिन बेबी जो है ये नेचुरल लुक देता है, एकदम नेचुरल। और ये देखिए ये लगाए हैं, ये भी बहुत अच्छा है, मैं दोनों को एकदम 100% दूंगी।
देखिए फ्रेंड, मुझे तो दोनों ही पसंद है, और बेबी स्पेन बेबी पाउडर भी और वाइट टोन पाउडर भी। बल्कि वाइट टोन पाउडर ज़्यादा थोड़ा कॉस्टली है, 100 में आ जाएगा और ये 65 में आएगा। तो आप जो भी है, दोनों में जो भी पसंद है आपको, दोनों यूज़ कर सकते हैं। फेस के लिए एकदम परफेक्ट है, और मैं तो 100% दे रही हूँ। फेस में ये आराम से लगा सकते हैं, एक नेचुरल है, एक लुक ब्यूटी है, एकदम आराम से आप लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर मुझे एक लाइक ज़रूर दें। फ्रेंड्स, आप लोग का सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह आप लोग हमें सब सपोर्ट देते रहें, और मेरा आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्यार। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।